अतीक अहमद का खौफ इतना था कि दर्जन भर न्यायाधीशों ने अतीक अहमद के मामले की सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद आज न केवल अतीक अहमद के खौफ का अंत हुआ है, बल्कि अतीक अहमद को अपने किए की सजा भी मुकर्रर हो रही है। पूरे मामले में जिस तरह से अतीक अहमद के खिलाफ अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्यों के आधार पर आज पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, उसके कारण ही यह संभव हो सका कि अतीक अहमद को आज दोषी सिद्ध माना गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बाकी मामलों में भी तेजी से न्यायालय उन्हें दंडित करने का काम करेगा और अतीक अहमद के खौफ का जड़मूल से अंत हो जाएगा, माफिया मिट्टी में मिल जाएगा।